हाय गाइस, अभिषेक ओवर हियर फ्रॉम वॉल डॉग्स आर्टिस्ट स्टूडियो। और आज का सब्जेक्ट है कि काफ़ी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर, हम लोग आर्ट कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, और मैं खुद भी देखता हूँ कि वो अपने आप को डेवलप करते हैं। वो पूछते हैं कि सर, आप कमीशन्स पेंटिंग्स बनाते हैं, कमीशन आर्टवर्क्स के लिए मार्केट जाते हैं, ग्राफिटीज बनाते हैं, वॉल आर्ट्स करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के आप काम लेके आते हैं, तो हमें बताइए कि हम भी इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू कर सके, इतने बड़े लेवल पे नहीं मगर मिनिमम लेवल पे जहाँ पे हम लोग शुरू कर सके, कम से कम उस जगह पे हम लोग क्या ऐसा करें कि हमें छोटे छोटे कमीशन्स मिलते रहे, कि हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगे कि हम इस फील्ड से, इस आर्ट के मार्केट से कुछ कमा भी सकते हैं। तो इसका ना दो तीन छोटे छोटे आंसर्स हैं, बहुत बहुत मिनिमलिस्टिक आंसर्स हैं और बड़े आसान सा आंसर्स हैं। वो ये है कि कमीशन आर्टवर्क्स ना वैरी करता है आर्टिस्ट के खुद के पर्सपेक्टिव्स के ऊपर कि वो किस लेवल पे कमीशन करना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी कमीशन करना शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये होना चाहिए कि आपका जो स्किल है खुद के काम के, वो काफ़ी डेवलप करना पड़ता है और आपका वर्सेटिलिटी होना चाहिए काम के अंदर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कलर पेंसिल से काम करते हैं, या शेडिंग में काम करते हैं, पेंसिल शेडिंग में, या वाटर कलर में काम करते हैं, या एक्रोलिक में काम करते हैं, या ऑयल पेंटिंग में काम करते हैं, और एक ही सब्जेक्ट में एक ही चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए दूसरा जो फील्ड्स हैं वो थोड़ा सा उनका स्किलफुल नहीं होता है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं आता, मगर स्किलफुल नहीं होता है। कमीशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में ना कभी भी कोई भी चीज़ का इंपॉर्टेंस आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा कि आप पूरा ज़िंदगी स्केचिंग से काम चला दोगे, या शेडिंग से काम चला दोगे, या कलर से काम चला दोगे, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए आपको इंडिविजुअल जो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं, उसमें कम से कम एक स्किल लेवल तक आपको काम सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो अभी मेरे स्टूडेंट्स में से 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सीनियर है, जो BFA में थर्ड ईयर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर कर रहे हैं, या लास्ट ईयर कर रहे हैं, या MA इन फाइन आर्ट में हैं। वो लोग मेरे को पूछते हैं कि सर, मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क कितना डेवलप आपको लगता है, या मैं आगे काम कर सकता हूँ कमीशन्स में। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि कोई बात नहीं, हम करा के देख लेंगे तेरे से या तुमसे। तो हम लोग कभी कभी ऐसे भी करते हैं, हमारा टीम जो है वो काम लाता है, तो हम लोग हमारे बच्चों से काम करवाते हैं और उनको एक रेमुनरेशन भी हम देते हैं, क्योंकि वो उनका मेहनत है, टाइम है, तो हम लोग वो चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। और साथ साथ में उनका स्किल जो होता है ना, वो मार्केट में जाके काम करने से क्या होता है, डेवलप होता है। वो पहले डरते हैं कि हम कम काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बाद हम लोग पीछे खड़े रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि हमें ऐसे काम करना है, ये करना है, साथ में मैं खुद करके दिखाता हूँ, कभी कभी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि इस काम को ऐसे कर दे तो आसान हो जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो जाके साथ में काम करते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। अभी मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए काम करता है, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि वो करे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप अगर मेरा स्टूडेंट नहीं है, या आपके पास कोई और गुरु हैं जो इस फील्ड में काम कर रहा है और उनके पास कमीशन आर्टवर्क्स हैं, तो आप लोग उनके साथ जाओ। पहले पैसों के बारे में, या कितना पैसा लेना है, या कितना आपको वो करना है, वो मत सीखो, पहले स्किल्स को डेवलप करो। और पैसा ना पूरा ज़िंदगी कमा सकते हो आप। मैंने भी जब शुरू किया था, तो मेरे टीचर्स थे, वो साथ जाते थे लेके, हमें हमारे लिए इतने सबसे बड़ा खुशी था कि हमें एक चॉकलेट खरीद के देते थे वो, कि ये लो चॉकलेट और ये पेंटिंग करो हमारे सामने खड़े होकर। तो हमें बहुत खुशी मिलता था कि हाँ, हमारे सर ने हमें ये बोला, एक पेंसिल का बॉक्स दे दिया कि 2B, 4B, 6B वाली पेंसिल दें, अब तुम कोई बॉक्स मैंने गिफ्ट किया, अब तुम्हें मैं पोर्ट्रेट बना के दिखाना पड़ेगा। हमें बताते भी नहीं थे कि ये किसी क्लाइंट के लिए है, ये मुझे फ़ोटो दे दिया और बोलता है कि था कि ये वाला काम करके दिखा दो, और हम लोग इतना खुश होते थे उस चीज़ से। तो छोटे छोटे चीज़ों में ना खुशियाँ ढूंढा करो। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको 50,000, 1,00,000, 10,00,000 रुपये मिल जाए। आपको कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, आपको 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ भी कोई देता है ना, तो उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस के साथ और बहुत रेस्पेक्टफुली, ग्रेटिट्यूड के साथ उसको लिया करो। तो उससे क्या होगा ना, लॉन्ग टर्म में जाके आपका नाम बनेगा, आप एक अच्छा आर्टिस्ट बनोगे। और मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मेरे जो गुरुजी हैं संदीप नस्कर जी, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा, आर्टिस्ट तो तुम बन जाओगे, पेंटिंग्स भी बनाना सीख लोगे, मगर एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे। अगर आप अच्छा इंसान बनना शुरू करोगे, तो आर्टिस्ट बनना भी आसान हो जाएगा। तो आप सबके लिए भी ये बात है मेरे गुरुजी की तरफ से और मेरे तरफ से, कि सबसे पहले ना एक अच्छा इंसान बनो, जहाँ पे आपको आपके अंदर लालच ना हो। जब यूनिवर्स जो लॉ है ना, उसमें आपको सब लोग प्रेफर करेंगे, तो उसके वजह से आपके पास काम भी बढ़ेंगे, पैसे भी बढ़ेंगे, आप एक अच्छा इंसान भी बन सकते हो, और
कमीशन के लिए अगर आप अच्छा दोस्ती रखोगे, बिजनेसमैन के साथ अच्छे तरीके से डील करोगे, तो ये सब चीज़ें मिलना आपको आपके लिए बहुत आसान है। दूसरी पॉइंट कि कमीशन मिलता कहाँ है, तो कमीशन मिलता कहाँ है ऐसा करके कुछ होता नहीं है एक्चुअली। ये स्टार्ट होता है दोस्त के सर्कल से, वहाँ पे आप कभी कभी 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में अपना एक स्केच बना के दोस्त को, दोस्त की गर्लफ्रेंड को या किसी पेरेंट्स के लिए उसके आप गिफ्ट कर सकते हो, और अगर आप कॉलेज में हो तो, और अगर और छोटे हो तो अभी पहले काम करना सीखो, स्किल बढ़ाना सीखो, डेवलप करना सीखो अपने आप को, तो उससे बहुत आसान हो जाएगा आपके लॉन्ग टर्म में जाके चीज़ों को बैलेंस करना। उसके बाद आता है आपके घर के आसपास के लोग, नेबर्स के जो लोग हैं वो आपका काम को देखते हैं कि अच्छा ये पेंटिंग बनाता है, चलो इससे ये पेंटिंग बनवा के देखते हैं, या आप जाओ ओपन एयर में जाके पेंटिंग्स बनाओ, कि लोगों तक आपको पहुंचना पड़ेगा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुँच पाओगे ना, तब तक आपका काम लोग देख नहीं पाएंगे। आप बाहर जाते हो आउटडोर में बैठ के एक घर का पेंटिंग बना रहे हो, तो किसी को लगेगा यार ये इतना अच्छा घर का पेंटिंग बना रहा है, आपका स्किल है, आप अच्छा बनाते हो, तो लोग बोलेगा चलो इसको कुछ और बनाने के लिए देते हैं, तो वो आपको ऑर्डर देंगे। फिर आपको उस ऑर्डर को मतलब वैरी करना पड़ेगा कि ये पहला ऑर्डर है मेरा या दूसरा ऑर्डर है, और मेरे पास इतने सारे ऑर्डर्स हैं या नहीं है। आपको लगता है कि मैं इस ऑर्डर को 100 रुपीज़ में कर सकता हूँ या 1000 रुपीज़ में कर सकता हूँ या 10,000 में कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू कैलकुलेट द बजट। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो हम लोग कमीशन आर्टवर्क से कैलकुलेट करते हैं, उसका भी एक तरीका होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, मगर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ समझ में आ गया कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, लोगों के सामने पहुंचना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा अपना कमीशन्स को डेवलप करने के लिए, बड़े काम को डेवलप करने के लिए, और टाइम के साथ साथ होता है। आज मैं जहां पे हूं, मैं जिस कंपनी के अंडर काम करता हूं या मैं कंपनी के साथ काम करता हूं, एक्चुअली अंडर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा खुद का ही कंपनी है, तो वो और भी दो चार बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ, वो लोग मुझे काम देते ही इस चीज़ के लिए हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं वो काम करने लायक बन चुका हूँ। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा। आप अगर हार्ड एंड फास्ट रूल बना लोगे कि मैं 4 साल पढ़ाई कर लिया, आप मुझे कमीशन मिलना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको लोगों तक पहुँचना है, आपका स्किल को डेवलपमेंट करना है, आपका स्किल डेवलप होगा फर्स्ट, आपके पास वर्सटिलिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, हर मीडियम में काम करने का आपके पास मतलब वो इम्पॉर्टेंस होना चाहिए कि हर मीडियम में मैं कुछ ना कुछ स्किलफुल काम कर सकता हूँ। दूसरा आएगा, आपके घर के आसपास का कोई दोस्तों के काम बेचोगे। तीसरा आएगा, उस काम को देख के कोई ना कहीं कहीं ना कहीं आपको बुला सकते हैं। चौथा आएगा कि आपके सोशल मीडिया हैंडल पे उस काम का फोटोज डालोगे, जैसे इंस्टाग्राम है, वो अच्छा हो या बुरा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग आपसे बुरे काम करते हैं, बहुत लोग आपसे अच्छे काम करते हैं, तो आप सबसे बुरे भी नहीं हो और सबसे भी अच्छे नहीं हो। आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप हर टाइम अपने आप को डेवलप कर सकते हो, इसलिए अपने को छुपाने का ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत बेकार काम करता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम में मैं क्यों डालूँ, मैं फेसबुक में क्यों डालूँ। अपना काम को अपलोड करा करो, गूगल में डाला करो, इंस्टाग्राम में डाला करो, आप अपने काम को कहीं और सोशल मीडिया में डाला करो जहाँ पे लोगों का रीच हो, जहाँ पे लोग आपका काम को देख पाए। क्या पता कोई काम आपको पसंद नहीं, किसी और को पसंद हो, क्योंकि आर्ट ऐसे ही डेवलप होता है, हर चीज़ आपको पसंद नहीं हो सकता। मैं मेरा ज़िंदगी में एक छोटा स्टोरी बताऊँ आपको, मैं दिल्ली आया था जब पहली बार, तो मेरा पेंटिंग स्केचेस मैं लेके एक क्यूरेटर के पास गया था, वो मेरा नोन था कोलकाता में, कोई दोस्त हैं उनके तरफ से मुझे मिला था। तो जो जो काम मैं साइड करके रखता जा रहा था ना कि ये वाला काम आपको नहीं दूंगा मैं, वही काम बोलते थे कि तुम्हें नहीं पता ये काम बहुत अच्छा है। तो मैं उस दिन ये समझना सीख गया कि जैसे मैं मेरे काम को देखता हूँ, वैसे एक दूसरा बंदा मेरे काम को नहीं देखता, उसके लिए देखने का नज़रिया बिल्कुल ही अलग है। इसलिए अपना काम को कभी छोटा मत समझो और सबसे बड़ा भी मत समझो, लोगों तक अपना काम को पहुंचाओ, बाहर जाओ आउटडोर में, स्टेशंस में, मार्केट में जाके अपना पेंटिंग पेपर सब लेके अपना काम करो। लोगों के अंदर पहुंचोगे ना तो लोग आपके पास पहुंचेगा, और कमर्शियल काम का नियम ही ये है, कमीशंस लेना है तो इसी प्रोसीडिंग से ले सकते हो आप, नहीं तो पूरा ज़िंदगी आपके दोस्त के पेंटिंग बनाते रह जाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ गए? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।